धरने पर है और पूरी व्यवस्थाएं ठप नजर आ रही हैं। फिरोजाबाद में विद्युत कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दो दिवसीय धरना दिया। वहीं धरने पर बैठे जेई अहमद ने समाचार 24 से बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के संबंधित आदेश दिनांक 24 मार्च 2017 के आर्टिकल के अनुसार ऊर्जा नियमों के चेयरमैन प्रबंध निवेशकों के पदों पर नियमानुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया की जाएगी। बिजली कर्मचारी अंदर अभियंता या अभियंताओं के पूर्व की भांति क्रमशः 9 वर्ष 14 वर्ष 19 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 3 पदोन्नति पद का वेतनमान दिए जाने की मांग पर अवगत कराया था। उत्तराखंड के ऊर्जा नियमों में से पहले से लागू किया जा चुका है। तदनुसार उत्तर प्रदेश के ऊर्जा नियमों में भी आदेश निर्गत करने हेतु समिति बनाई जाए। वर्तमान में ऊर्जा नियमों में कैशलेस इलाज की व्यवस्था सीमित रूप से उक्त व्यवस्था को समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में लागू किया जाए और निजी अस्पताल हेतु कैशलेस इलाज की व्यवस्था कराई जाए। इस वार्ता का निर्धारण किया जाए। धरने पर इंजीनियर शैलेश दुबे, राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह, प्रशांत सिंह, जीपी पटेल आदि लोग मौजूद रहे। सौराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। सर, आज जो धरना दे रहे हैं, कितने दिन से दे रहे हैं और क्या क्या मांगे हैं? जी, हमारा ये 2 दिन का कार्य बहिष्कार था। उसके बाद कल रात्रि 10 बजे से सांकेतिक 72 घंटे का पूर्ण हड़ताल पे हम लोग हैं। हमारे जो विगत 3 दिसंबर 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री जी की उपस्थिति में एवं मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार अवनीश अवस्थी जी की उपस्थिति में जो समझौता हुआ था 14 सूत्री मांगों पर, उस समझौते को लागू कराने के लिए माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 दिन का आश्वासन देते हुए कहा था कि 15 दिन के भीतर हम इसको समझौते को लागू करने का भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन आज 3 महीने बीत जाने के बाद भी ऊर्जा प्रबंधन के शीर्ष नेतृत्व से बार बार पत्राचार करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई अमल नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग आंदोलन की तरफ अग्रसर हुए हैं और ये आंदोलन में आज सांकेतिक 72 घंटे की हड़ताल हमारे द्वारा की जा रही है। ये जो आंदोलन किया जा रहा है, धरना दिया जा रहा है, वो कितनी तारीख से शुरू हो रहा है, कब इसका समापन करेंगे? ये हमारा कल रात्रि से 16 तारीख की रात 10 बजे से हुआ है, 19 तारीख के बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये आंदोलन के बीच कोई भी उत्पीड़न की कार्रवाई किसी भी पदाधिकारी या किसी भी कार्यकर्ता के साथ, किसी भी संगठन के सदस्य के साथ की जाती है प्रबंधन द्वारा, तो सभी लोग पूर्ण हड़ताल पे पूरी तरीके से चले जाएंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व आगे जो भी डिसीजन लेगा उसके हिसाब से आगे का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं है तो आगे का किस तरह का करेंगे? 72 घंटे के सांकेतिक हड़ताल के बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व जो संयुक्त संघर्ष समिति के हमारे संयोजक श्री शैलेंद्र दुबे जी हैं, उनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन का में अग्रसर हैं। उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आगे का कार्यक्रम चलेगा। हमारे जो मुख्य मांगे हैं, हम लोगों के बीच में हमारे जो संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ और माननीय ऊर्जा मंत्री जीत एवं हमारे उच्च प्रबंधन तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं अवनीश अवस्थी जी के बीच में 3 दिसंबर 2022 को 14 सूत्री मांगों को लेकर के एक लिखित समझौता हुआ था हमारी मांगों को लेकर के, और उन मांगों को उन्होंने न्यायोचित मांगते हुए उस लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन और वो लिखित समझौता 15 दिन के भीतर अमल में लाए जाने की बात कही थी। 3 महीने गुजर जाने तक जो समझौता जो हुआ था 14 सूत्री मांगों को लेकर, उसमें किसी प्रकार का क्रियान्वयन ना होने की स्थिति में हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं और पिछले 2 दिन से हम लोगों का कार्य बहिष्कार था। कल रात 10 बजे से लोग हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए, 72 घंटे की स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। अगर ये मांगे पूरी होती है तो आगे क्या करेंगे आप? अभी 72 घंटे का हम लोगों का स्ट्राइक है। 72 घंटे के बाद में क्या हमारे उच्च जो संघर्ष समिति है उसके केंद्रीय लेवल से क्या दिशा निर्देश देंगे, उसके बाद ही उस पर हम कुछ आपकी बताने की स्थिति में रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उदयवीर सिंह साहिक अभिनता राजस्व हूँ मैं।